जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। हाँ जी मेरे बेटे, आज का जो है वो केडीपी बैच 4 का लेक्चर नंबर 8 है। तो लेक्चर नंबर 8 में जो है वो हम देखेंगे कीवर्ड्स प्लस कैटेगरी प्लस जो है वो कंपटीटर एनालिसिस। ये तीन चीजें जो है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। कल हमने जो है वो नीच के रिलेटेड सीखा था। अब नीच और कीवर्ड का मेजर डिफरेंस मैंने आपको बताया है कि नीच और कीवर्ड के अंदर डिफरेंस यही है कि नीच आपका मेन बुक का टाइटल होता है, ठीक है, और कीवर्ड बेसिकली आपके 7 कीवर्ड जो हम ऐड करते हैं, जो कि आपकी बुक को जो है वो इनरोल करते हैं, आपकी बुक को रैंक करवाते हैं, वो आपके कीवर्ड कहलाएंगे। जैसे ही हम नीच फाइंड करते हैं, सेम एज इट जो है वो हमने कीवर्ड फाइंड करने होते हैं, ठीक है जी। जैसे हमने नीच फाइंड की, वैसे ही हमने जो है वो कीवर्ड फाइंड करने हैं। स्ट्रेटजी भी वही, ठीक है, जिस तरीके से नीच फाइंड करते हैं वही स्ट्रेटजी जो है वो कीवर्ड फाइंड करने के लिए आपने यूज करनी है। और कीवर्ड फाइंड करने के लिए सबसे जो अच्छा टूल है ना, वो AMD सजेशन एक्सपेंडर है। अब वो अच्छा, इसके अलावा भी मैंने कीवर्ड फाइंड करने के लिए डिफरेंट जो है वो टूल्स बता रखे हैं, फ्रीली टूल्स, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप इसी को जो है वो करें, जो आए यानी कि AMD सजेशन एक्सपेंडर की मदद से जो है वो कीवर्ड फाइंड करें। बाकी वीडियोस भी मैं आपको जो है वो इस लेक्चर के बाद कीवर्ड्स की भी और नीच की भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो ओपन करते हैं जी अमेजोन। अमेजोन ओपन करने के बाद सेम स्ट्रेटजी जो मैंने आपको बताई, उसी स्ट्रेटजी के मुताबिक आपने अपने कीवर्ड फाइंड करने हैं। जिस कैटेगरी पे आप काम कर रहे हैं उसी कैटेगरी को आपने जो है वो इधर सर्च करना होता है। सबसे पहले अपनी जो है वो लोकेशन इधर से चेंज करें, एड्रेस चेंज करें। जब भी आप काम करने लगे, सबसे पहला काम आपने यही करना है, एड्रेस चेंज करने वाला। 1001 अप्लाई करें और डन कर दें। ये न्यूयॉर्क का है, न्यूयॉर्क, ठीक है। तो ये आपका चेंज हो जाएगा। उसके बाद जो है, अगर आप योगा के ऊपर जो है कल बात चल रही थी, सिंपल योगा लिखें, ठीक है जी। तो इसके साथ मैंने मेरे ख्याल से AMD सजेशन एक्सपेंडर ऐड किया है या नहीं? नहीं है मेरे ख्याल से। इधर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये एड्रेस पहले चेंज कर लें, उसके बाद जो है वो फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये अप्लाई कर दें और कंटिन्यू, देन जो है वो इधर लिखें जी योगा के रिलेटेड, ठीक है। हमारा योगा के रिलेटेड है, तो सिंपल योगा इधर सर्च करें और स्पेस दें। नीचे जो है वो खुद ही आपको सजेस्ट करेगा, ठीक है। तो डिफरेंट जो कीवर्ड्स वो खुद ही आपको सजेस्ट करता है, ठीक है। एक तो कीवर्ड्स आपके नीचे ये शो हो रहे हैं, ठीक है। ये कौन शो कर रहा है? अमेज़न आपको सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। और आपको AMD सजेशन एक्सपेंडर मैंने साथ में अटैच करवाया है, ठीक है। इधर से जाके मोर टूल्स में जाएं, एक्सटेंशंस में जाएं और चेक करें AMD साथ में लगा हुआ है या नहीं लगा। ये लगा है, एक दफा इसे जो है वो चेक कर लेते हैं, ऑफ करके ऑन करते हैं, दोबारा से इसे जो है वो देखते हैं हम, ठीक है, कि ये रिजल्ट जो है वो क्यों नहीं शो करवा रहा। और ये कभी कभार आपका जो है वो इंटरनेट इशू की वजह से ऐसा मसला कर देता है। तो कल मैंने पिक्चर जो है वो इसके रिलेटेड आपको बताई थी, दिखाई थी, इधर पिक होगी वो 111 ये वाली, ठीक है जी। इसी तरीके से आपने जो कीवर्ड्स एक्सेल में जब आप नीच फाइंड करते हैं ना बेटे, असल में आपके कीवर्ड्स भी नीच फाइंड करने के साथ जो है वो कीवर्ड्स भी उस बुक के रिलेटेड निकल आते हैं, ठीक है। आपने जो 15 से 20 कीवर्ड्स की लिस्ट बना लेनी है एक बुक के रिलेटेड, तो जो हाई डिमांड वाले, ठीक है, और लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स होंगे उनको जो है वो आपने 7 बॉक्स में अटैच करना है। जैसे कि ये कल मैंने स्क्रीनशॉट लिया था और एज इट इसके कीवर्ड्स आपको जो है वो निकालने मैंने सिखाए थे कि इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्टर यूज करें और ये एज इट एक्सेल में उठा के लेते जाएं, उधर से कॉपी करके जो है वो आपको पेस्ट करें अमेजोन पे और उसका स्कोर चेक करें, ठीक है, उसके रिजल्ट चेक करें जिनका कंपटीशन जो है वो लो होगा। अब इधर बात आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस कीवर्ड का कंपटीशन लो है। जब आपके बेटे रिजल्ट्स कम होंगे, तो इसका मतलब क्या है कि उसका कंपटीशन लो है। 1000 से बिलो रिजल्ट्स आते हैं,
तो इसका मतलब क्या है जी कि हमारा कंपटीशन लो है। अगर ज्यादा हजारों में 5,000, 10,000, 20,000 रिजल्ट आ रहे हैं, उसका मतलब क्या कि कंपटीशन हाई है। ठीक है जी, अगर कंपटीशन हाई है, साथ में बाकी वाली रिक्वायरमेंट आपकी पूरी होती है, फिर भी काम नहीं चलता कि कंपटीशन हाई है, डिमांड भी हाई है। ऐसे नहीं आपने यूज करना, फार्मूला ये है कि कंपटीशन लो हो, डिमांड हाई हो। और डिमांड हाई जो है वो हमें कैसे पता चलती है, वो बेटे पता चलती है नीच का स्कोर। ठीक है, नीच स्कोर 50 से अबव मैंने आपको बताया है, या 50 के राउंड अबाउट भी चल जाएगा। अब 50 से अबव या 50 के राउंड अबाउट, इससे क्या मुराद है? इससे पता चलता है कि कितने लोग जो है उस कीवर्ड को, उस कीवर्ड के रिलेटेड बात चल रही होती है, सेम एज इट कीवर्ड सर्च नहीं होते। ठीक है, रेलिवेंट कीवर्ड जो है वो चलते हैं, उसका जो है वो स्कोर बता रहा होता है कि इसके रेलिवेंट जो है वो इतना मटेरियल सर्च हो रहा है। बात ओके हुई? तो फिर आपने जो है वो उसे सिलेक्ट करना होता है। साथ में हम देखते होते हैं बीएसआर को। अब बीएसआर मैंने आपको बताया 1 लाख से बिलो। अब 1 लाख से बिलो जो है वो बताने का क्या मतलब था, उससे मुराद क्या थी कि हाई कंटेंट में मैंने बोला था कि जी 3 लाख, 3 लाख से नीचे चल जाएगा, 3 लाख से नीचे जो है वो क्यों बोला था, ये भी आपको बता देता हूँ। और लो नो के रिलेटेड मैंने बताया था कि जो है वो आपने 1 लाख से बिलो रखना होता है। तो इधर हम यूज करते हैं जी बीएसआर कैलकुलेटर, ये चीज। और इधर से देखते हैं 1 लाख के ऊपर भी आपको सेल दिखा देता हूं कि 1 लाख बीएसआर के ऊपर जो है वो कितनी सेल आ रही है, फिर आपको पता चल जाएगा कि क्यों जो है वो ये टारगेट आपको बोला गया है 1 लाख वाला। ठीक है, ये लें जी 1 लाख, 1 लाख पे कितनी बुक जो है वो सेल हो रही है, तकरीबन 2 बुक्स जो है वो डेली सेल होती हैं 1 लाख बीएसआर के ऊपर। इसी वजह से आपको टारगेट पॉइंट ये दिया है कि अगर आपका बीएसआर 50,000 से लेके 1 लाख के बिटवीन होगा तो वो गुड बीएसआर होगा। अगर आपका बीएसआर 15,000 से 50,000 के बिटवीन है तो वो एक्सीलेंट है। ठीक है, अगर 15,000 से नीचे चला जाता है और आपको ये लग रहा होगा कि भाई हमने तो बड़ी अच्छी नीच जो है वो कैलकुलेट कर ली, या हमारा जो कीवर्ड है वो बड़ा अच्छा रैंकिंग कीवर्ड है, ठीक है, उसमें तो सेल ही बड़ी ज्यादा आ रही है, उसका बीएसआर एवरेज बहुत लो आ रहा है, तो उसका भी फायदा नहीं होता। क्यों नहीं फायदा होता? फॉर एग्जाम्पल जो आपका कंपिटिटर है उसका बीएसआर है जी 5,000। ठीक है, अब 5,000 बीएसआर के ऊपर जो सेल होगी, 50 डे की सेल है, सारी की सारी सेल तो वो लेता जाएगा, आपके पल्ले तो कुछ भी नहीं रहेगा, आपको तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए आपने जो चीज टारगेट करना होती है उसको इस तरीके से टारगेट करना है कि आप एड पीपीसी रन कर लें या किसी और मेथड से। अगर बीएसआर आपका 50,000 से नीचे जाता है ना, तो आपने पीपीसी एड रन करके अपने कंपटीटर का मुकाबला करना होता है। अगर आपका जो कंपटीटर एनालिसिस करें या बीएसआर जो है कंपटीटर का 5,000 है, तो अगर आप पीपीसी एड भी अच्छी रन करें, अच्छे डॉलर जो है वो डेली इन्वेस्ट करके रन करें, तो फिर भी इस बंदे का आप जो है वो मुकाबला नहीं कर पाओगे, फिर भी वो सारी की सारी सेल वही लेता जाएगा। इसलिए अगर आपका 50,000 से 1 लाख के बिटवीन है, तो फिर आपको पीपीसी एड भी रन करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो फिर आपका काम एज इट जो है वो चलता जाएगा। ये सारा तरीका कार होता है, ये सारी बातें होती हैं, क्योंकि जब आप नीच फाइंड करते हो तो आपके जहन में ये चलता है कि मैंने बड़ी अच्छी नीच फाइंड कर ली, हालांकि वो अच्छी नीच जो है वो होती नहीं है। अच्छी नीच वही होगी जिसकी रिक्वायरमेंट्स मैंने आप लोगों को बताई हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप बीएसआर को कैलकुलेट करके भी सारा जो है वो एवरेज प्रोसीजर देख सकते हो। उसके बाद एक और बात बताऊं कि हाई कंटेंट वर्क के अंदर बड़ा जो है वो रिलैक्सेशन है, बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन है। रीजन यही है कि हमारी फ्री प्रमोशन लगती है, इस वजह से रिलैक्सेशन है। लो और नो के अंदर किसी किस्म की कोई रिलैक्सेशन है ही नहीं, उसकी रीजन ये है कि उसके ऊपर जो प्रमोशन भी लगनी है ना, वो भी पेड़ लगनी है। ठीक है जी, तो इसके बाद आगे चलते, इधर तक बात क्लियर हुई जी? ये वाली बात बच्चे क्लियर हुई जो मैंने बातें अभी आपको बताई हैं? ठीक है, बात ये कि सेम एज इट जो है वो आपने नीच और कीवर्ड जो है एज इट एक ही स्ट्रेटजी से जो है वो फाइंड करने हैं, अपनी स्ट्रेटजी को चेंज नहीं करना।
क्योंकि कीवर्ड्स ने आपकी बुक को टॉप पे लेके आना होता है, ठीक है। अब जो आप कीवर्ड लगाते हैं ना, वो ये नहीं होता कि आपने जो है वो सेम एज इट कीवर्ड अपने टाइटल वाला लगाना है, जो टाइटल है उसी के रिलेटेड कीवर्ड लगाना है, ऐसा नहीं होता। आप अपने कीवर्ड को अपनी कैटेगरी के साथ मैच करके भी लगा सकते हो, ये अपॉर्चुनिटी होती है, मसला नहीं आएगा कोई भी। उसके बाद एक और बात बताता चलूं, जो भी कीवर्ड आप लगाते हो, जैसे कि ये योगा ब्लॉग कल भी बात हुई थी इसके रिलेटेड, कि ये आपका कीवर्ड्स है, आप अपने कीवर्ड्स को नीच को दोनों का ट्रेडमार्क जो है वो मस्ट चेक कर लें। अब ट्रेडमार्क क्या चीज है? ट्रेडमार्क से मुराद है कि आपका जो कीवर्ड है क्या वो रजिस्टर्ड तो नहीं है। अगर रजिस्टर्ड है तो फिर जो है वो आपकी बुक को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, अगर आपने उस ट्रेडमार्क को यूज किया हुआ है तो, ठीक है। मैं कंट्रोल सी कर लेता हूँ इसे। और ट्रेडमार्क आप कैसे चेक करेंगे जी? टेस्ट से एक वेबसाइट है, आप सिंपल टेस्ट लिखें, ठीक है, गूगल पे सिंपल टेस्ट सर्च करें, तो ये सेकंड वेबसाइट www.uspto.gov, ठीक है, ये ट्रेडमार्क करने की जो है वो वेबसाइट है। इधर से आप अपने कीवर्ड को, अपने जो भी आपकी नीच है उसको चेक कर सकते हो कि क्या इसके ऊपर ट्रेडमार्क है या नहीं है। ये ओपन करने के बाद आप जाएंगे जी सर्च आवर ट्रेडमार्क डेटाबेस में, ठीक है। तो ये मस्त चीजें आपने जो है वो चेक करनी होती हैं, अपने कीवर्ड जो 7 लगा रहे हो उसे, और जो आप सबटाइटल लगा रहे हो उसे, और जो आप नीच लगा रहे हो उसे, उन सारी चीजों के ट्रेडमार्क जो है वो मस्ट चेक किया करें। आपने बेसिक में जाना है, पीली गुजर गया मैं, ये बेसिक वर्ड मार्क सर्च न्यू यूजर के लिए, इसे ओपन करें और अपने कीवर्ड को इधर सर्च कर लें। अगर तो बेटे आपका डायरेक्टली वो लॉग आउट का पेज शो करवा देता है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके इस कीवर्ड के ऊपर कोई भी ट्रेडमार्क नहीं है। अगर वो नीचे आपको रिजल्ट शो करवा देता है, तो इसका मतलब है कि नीचे जो है वो उसके रिलेटेड ट्रेडमार्क मौजूद हैं, ठीक है जी। तो ये आपने चीज इस तरीके से देखनी है। अगर आपको नीचे वो लिस्ट ओपन करके दे देता है कि लाइव ट्रेडमार्क है, तो फिर आपने उसको यूज नहीं करना। अगर वो आपको नहीं दे रहा, तो आपने फिर जो है वो उससे एज अ कीवर्ड, एज अ नीड, जो है वो एज अ सबटाइटल, उन चीजों को आप जो है वो यूज कर सकते हो। ये था जी वेबसाइट ट्रेडमार्क के रिलेटेड। मैंने कीवर्ड्स के रिलेटेड भी आपको गाइड कर दिया। जी मुश्ताक साहब, मैं खुद जो है वो कर देता हूँ कैमरा, असल में मैं जो है वो अभी तवज्जो नहीं दी इनकी तरफ, तो कंफ्यूज हो जाता है सर ऐसे ना बंदा। चलें जी, ठीक है जी। इधर तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, जितने बच्चे हैं किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हो, जो बातें अभी तक जो है वो डिस्कस की है मैंने, ठीक है जी। उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है जी। जी सर, मैं ये कह रही थी कि अगर ये तो देखें योगा ब्लॉग है, तो ये तो बहुत सी जगहों पे यूज होगा, तो इस तरह तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम कोई ऐसा फाइंड कर सकें कीवर्ड जो कहीं भी यूज ही ना हुआ हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बेटे, मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडमार्क की। ये जो योगा ब्लॉग है ना, ये जो है वो किसी ने अगर इस कीवर्ड को यूज किया है, जैसे मैं बात करता हूँ कि यूनिक स्कूल है, यूनिक स्कूल सिस्टम, अब उन्होंने बकायदा उसे रजिस्टर्ड करवाया है। अगर हर कोई पर्सन यूनिक स्कूल सिस्टम को इस्तेमाल करता जाएगा, तो क्या होगा जी, उनका नाम खराब होगा, ठीक है, उनका बिजनेस जो है वो ठप होगा। वो कभी भी ये अलाउ नहीं करेंगे कि कोई भी बंदा उसके नेम को यूज करके जो है वो रजिस्टर्ड करवाए। तो फिर क्या होगा, हमें न्यू यूनिक स्कूल सिस्टम रख लेना होता है, ये यूनिक स्कूल सिस्टम जो है वो नहीं चलेगा। अगर आप उसी नेम को यूज करना चाहते हो, तो फिर आपको जो है वो उनके राइट्स परचेज करना पड़ते हैं। जैसे कि कुछ टीचर्स हैं इधर मौजूद, उन्हें पता है कि यूनिक की अगर आपको राइट्स परचेज करने हैं, तो कम से कम 20-30 लाख के राउंड अबाउट उन्हें पे करना पड़ता है उनके नेम को यूज करने के लिए, ठीक है। ये किसी किसी कीवर्ड के ऊपर जो है वो आता है, बहुत कम कीवर्ड के ऊपर, क्योंकि इधर लोगों को मंथली या ईयरली जो है वो पे करना होता है, जो रजिस्टर्ड करवाया होता है ना अपने नाम को एज अ ट्रेडमार्क, उन्हें पे करना पड़ता है, तो फिर लोग जो है वो रिमूव करवा देते होते हैं। सही है जी, बात क्लियर हुई बच्चे?
कोई बात नहीं मुश्ताक साहब, सॉरी की बात नहीं है, ये हमारी फैमिली है। चलें जी, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जी कैटेगरी के रिलेटेड, फिर इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर हम काम ही नहीं करते, जिसकी वजह से हम स्लाप होते हैं, ठीक है, तो उसकी तरफ जो है वो बढ़ते हैं। मेरा लैपटॉप ना बंद हो जो दुआ कीजिएगा, बस लाइट बंद है, लाइट बंद के अंदर रूम में कैद हो कि आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, साथ में इतना मच्छर ये वो। कैटेगरी ब्राउजर, ठीक है। अब आपने जो कैटेगरी लेनी होती है ना, मैंने आपको बताया था कि दो कैटेगरी जो है वो एज इट आप अपने काम के रिलेटेड ले सकते हो, ठीक है। तो उसका आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपने बुक बनाई है वो किस कैटेगरी के रिलेटेड है? तो आप कैटेगरी ब्राउजर में जाएंगे, ठीक है, तो ये जो है वो फर्स्ट को ही ओपन कर लें। इधर जाके आप सर्च करें अपने मेन कीवर्ड्स को, ठीक है, अपने टाइटल को सर्च कर लें। तो मैंने योगा लिखा, तो योगा के रिलेटेड वो नीचे जो है वो आपको कैटेगरी बता देगा कि ये जो है वो बेस्ट कैटेगरी किसके रिलेटेड है, ठीक है, कौन सी जो है वो बेस्ट होगी इसके मुताबिक। तो वो नीचे बता रहा है आपको जी हेल्थ एंड फिटनेस योगा, ये सबसे जो है वो अच्छा है, आपके काम के रिलेटेड है, तो इसको जो है वो इस कैटेगरी में हम जो है वो ऐड करवाएंगे जब अपलोड करने लगेंगे। तो जब भी आपने अपनी बुक को अपलोड करवाना है तो आप अपनी कैटेगरी जो है वो जितनी अच्छी कैटेगरी होगी उतनी जो है वो आपकी बुक रैंक होती है, ठीक है। कैटेगरी भी बहुत मैटर करती है आपके काम के रिलेटेड, तो आप जो है वो उस कैटेगरी को सिलेक्ट किया करें जिसमें कंपटीशन जो है वो लो हो, डिमांड हाई हो। ये चीजें जो है वो नोट डाउन रखें, जैसे कि फिक्शन जनरल, हर पर्सन ही जितनी पब्लिक डोमेन की बुक्स आती हैं वो सारी की सारी फिक्शन जर्नल में जा रही होती हैं, फिक्शन जर्नल में, ठीक है। इसलिए आपने विजिट करना होता है, देखना होता है कि मेरा जो कीवर्ड है वो किस कैटेगरी में आ रहा है, जैसे कि मैंने ये आपको बताया है कि हेल्थ एंड फिटनेस और योगा में, तो ये आपकी बेसिकली जो है वो मेन कैटेगरी है, और योगा जो है वो आपकी नॉन फिक्शन बुक्स है। बाकी इंशाल्लाह जब बुक अपलोड करवाऊंगा तब इसकी डिटेल जो है वो मजीद आप लोगों को बता दी जाएगी। अगर इधर तक प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं जी, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। जी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, मैं सीधा जो है वो सर्च करता हूं जी, कोडिंग बुक्स फॉर किड्स। अब ना इसमें बात आती है कि आपकी बात क्लियर नहीं हो रही कि कोडिंग बुक्स फॉर किड्स है तो ये आप कोडिंग जो है वो किसके रिलेटेड करना चाहते हैं, ठीक है। आपने अपनी जो है वो कोडिंग के रिलेटेड बुक जो है वो स्पेसिफिक जो है वो टारगेट करना होता है कि किस लैंग्वेज में आप जो है वो कोडिंग की बुक जो है वो ढूंढना चाह रहे हैं, इसलिए आपने अपनी लैंग्वेज को भी साथ में मेंशन करना होता है। एज इट जो है वो टाइटल तो पड़े हुए हैं, जैसे कि ये मौजूद है, फॉर एग्जांपल आप इसी टाइटल के ऊपर बुक बनाना चाहते हैं कोडिंग फॉर किड्स के ऊपर, ठीक है जी, कोडिंग फॉर किड्स के ऊपर पहले से बुक बनी हुई है, आप भी इसके ऊपर जो है वो बना सकते हो। या इधर आपने चेंज कैसे करना होता है टाइटल, टाइटल को चेंज करवाना होता है कि जी आप लिख दें जी न्यू कोडिंग फॉर किड्स या मॉडर्न कोडिंग, ठीक है, इस तरीके से आप जो है वो, या लेटेस्ट कोडिंग गाइड फॉर किड्स, इस तरीके से अपने टाइटल को एडिट करते जाएं, सेम एज इट जो है वो यूज ना करें, कोशिश करें कि उसे जो है वो चेंज करवाया होता था, ठीक है। इसे मैं ओपन करता हूँ, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर आपने कंपिटिटर एनालिसिस से मुराद क्या है कि ये जो इसके 91 रिव्यूज आए हैं ना, इन 91 रिव्यूज को जो है वो गो थ्रू करें, ठीक है, इन 91 रिव्यूज को जो है वो रीड आउट करें, चेक करें कि किस बंदे ने जो है वो नेगेटिव पॉइंट्स आपको दिए हैं, ठीक है, इस बुक को नेगेटिव पॉइंट बोला है, ठीक है। उन नेगेटिव पॉइंट को आप लोगों ने उठाना होता है और उन नेगेटिव पॉइंट का आपने एक टेबल ऑफ कंटेंट बना लेना है, यानी कि एक चैप्टर बना लेना है, ठीक है। उस चैप्टर को आप राइट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जब आप न्यू बुक अपलोड करेंगे तो जिन पर्सन ने ये रिव्यू दिए हैं वो आपकी बुक को जरूर रीड करेंगे, ठीक है। जब उनकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी सेल जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो इसमें जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, कॉपी पेंसिल पकड़े और उन्हें जो है वो राइट करते जाए। ऐसे जब आप चीजों को टारगेट करके बनाएंगे ना, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि अगर आपके स्टोर पे 100 बुक्स भी अपलोड होगी ना, तो आप मंथ का इजीली $500, जब फिर बाद में आप ना भी काम करें
तो $500 जो है वो मस्ट आप अर्न करते जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट में जो मेरा तरीका कर रहा है ना बच्चे, ठीक है, उसमें स्टार्ट में आपको प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं, इसलिए आपने परेशान नहीं होना इन चीजों से। ये मैं जरा रिव्यू ओपन कर लूं, रिव्यू ओपन हो रहे हैं, फिर जो है वो उसे हल्का सा जो है वो देख लेते हैं। तो आपने उसी तरीके से अपने रिव्यूज को जो है वो रीड आउट करना होता है, ठीक है। इधर से ही आपको आइडियाज मिलते हैं, इधर से ही काम करने का तरीका मिलता है। और खासतौर पर मुश्ताक साहब, आप पहले से काम कर रहे हैं तो आपको काम करने का एक आइडिया भी साथ साथ देता जाता हूं कि आप इस आइडिया से जो है वो अपनी बुक बना सकते हैं। और आपने ही बोला था मेरे ख्याल से कि सर हम किसी से जो है वो बुक बना के अपलोड कर दें, तो जो बुक आपने किसी को 5-10 हज़ार या 20 हज़ार दे के बनानी है, आप वो बुक खुद क्यों नहीं बना लेते? ये सारा तरीका कर मैंने सिखाना है, जिसने बना के देनी है उसने भी इन्हीं मेथडोलॉजीज के जरिए से बना के देनी है, ठीक है। जैसे कि एक तरीका आपको बता देता हूं कि आप लुक इनसाइड में आए, जिस कैटेगरी के ऊपर आप काम करना चाहते हैं उसमें लुक इनसाइड में आए, और आने के बाद ये प्रॉपर तरीका आपको सिखाऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ जो है वो आइडिया दे रहा हूँ। ये आप देख रहे हो ना जी, टेबल ऑफ कंटेंट्स, ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ कोडिंग, उसमें नीचे उसने दो पार्ट्स दिए हैं, फिर जो है वो चैप्टर नंबर 2। आप इनके टेबल ऑफ कंटेंट्स का स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इन्हीं चीजों को जो है वो उठा के अपनी बुक बनानी शुरू कर दें, ठीक है। रीराइट करके या जिस भी तरीके से आप काम करके अपनी बुक बना सकते हैं, किसी किस्म का 0% भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा, ठीक है जी। ये नीचे इसने जो है वो इसी तरीके से इसने इंट्रोडक्शन दिया है, सारी चीजें। काम करना बहुत ईजी है, आप इसी काम को जो है वो रीराइट करके यूज कर सकते हो, लेकिन बनी बनाई जो पब्लिक डोमेन बुक्स हैं उन्हें नहीं उठाना आपने कभी भी, ठीक है। एक सिंपल सा आइडिया जो है वो मैंने आप लोगों को दिया, इस आइडिया के ऊपर कंप्लीट बुक बनाना भी इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा। ये जरा देखें जी रिव्यू, जैसे ये लोगों ने रिव्यू दिए हुए हैं, इन्हें रीड करना पड़ता है। जब आप रीड करोगे तो फिर आपको जो है वो होगा, इधर बात आ जाती है कि बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि सर हमारी तो इंग्लिश नहीं ठीक, हम क्या करें? तो वो ऐसे करें जी, इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेटर ओपन